इस तरीके से कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अपने विवादित बयानों के बाद चौतरफा घिरे आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने अब न्यूज 18 को धमकी दी है। न्यूज 18 के खास शो देश नहीं झुकने दूंगा में सवाल पूछने पर तौकीर रजा इतने नाराज हो गए कि उन्होंने खुलेआम धमकी देनी शुरू कर दी। आप भी देखिए क्या कुछ कहा तौकीर रजा ने। देखिए हमारा देश है, हाथ ही जोड़िएगा और कोई धमकी मत दीजिएगा क्योंकि वो दिन अब लग गए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे थे ना, अब सुनिए मेरी बात, हाथ ही जोड़िएगा क्योंकि वरना माफियाओं और गुंडों के अब लठ बसते हैं। एक बात का आप जवाब मुझे। हाँ जी, अब माफियाओं पर बुलडोजर चलते हैं। बात अगर तमीज से नहीं, मैं भी तमीज में ही कर रहा हूँ, आप तमीज में नहीं कर रहे थे। तमीज से जवाब मिलेगा वरना तुम्हारी भी जूतेकारी हो जाएगी। बदतमीजी क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताइए ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जिहालत दिखाते हो आपने। ये आपने जो किया वो क्या है? हिंदुओं गली गली खून बहेगा, हिंदुओं को गली गली खून बहेगा का क्या मतलब था? हिंदुओं के खून बहाने की बात करेंगे आप? जवाब मिलेगा गली गली खून बहेगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। मत करो, कैसे जो कमलेश तिवारी के साथ किया वही करेंगे मेरे साथ? क्या करेंगे? सवाल का जवाब तुम दो। मुंह कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे? सवाल का जवाब देखिए, ये कांग्रेस को समर्थन दे रहा है, उन्होंने कह रहे मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये मुंह तोड़ने वाले की बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा इन लोगों से, बात करवा रहे हो मेरी? इन्हें बात करने का तमीज नहीं है, इन लोगों से मेरी बात करवा रहे हो भाई? किन लोगों से बात करवा रहे हो मेरी? तुम लोग आते हो बात करने के लिए? ये बात करने के लायक है? इस लायक है कि इनकी बात का जवाब दिया जाए? तौकीर रजा ने एक और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने बाटला हाउस में मारे गए आतंकवादियों को शहीद बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर बाटला हाउस की जांच कांग्रेस करा लेती तो देश की जनता को सच पता चल जाता। बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज़्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलहेलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। बटला हाउस पर तौकीर रजा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सफाई मांगी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आतंकवादियों को शहीद कहना निंदनीय है। मौलाना तौकीर रजा खान ने किस प्रकार की बातें हिंदुओं को लेकर किया था चंद दिनों पहले, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को समर्थन की बात कल तौकीर रजा ने की थी, आज पुनः तौकीर रजा ने जिस प्रकार की बात की है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। तौकीर रजा ने कहा है कि जो लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे वो दरअसल आतंकी नहीं, आतंकवादी नहीं, वो शहीद थे। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। यूपी सरकार में कानून मंत्री बृजेश पाठक ने भी तौकीर रजा के बयान को गलत बताते हुए चुनाव आयोग से मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकार की वार्ता करने वाले अन्य संगठन के लोग, सभी लोग भारत में किस प्रकार से वार्ता कर रहे हैं सब लोग जानते हैं। इसकी निंदा जितनी की जानी चाहिए कम है, और जब समय आएगा ऐसे अगर लोग मतलब बयान देते रहे तो जरूर कानून कार्रवाई करेगा। निर्वाचन आयोग से हम अपील करेंगे, ऐसे बयानों को जरूर संज्ञान मिलेगा।